नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर बाल विकास, जी हाँ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें मैं आज आप सभी के लिए टॉपिक लिया है कि गर्भावस्था में शिशु का विकास कैसे होता है, 9 माह तक कैसे कैसे प्रक्रियाएँ चलती हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो बच्चे वो सब्सक्राइब कर लें चैनल, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दें। जैसा कि देख पा रहे हैं क्या है, हम एक तालिका के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जैसे गर्भावस्था की अवधि, गर्भ की और भ्रूण की लंबाई कितनी होगी, भ्रूण का वजन कितना होगा, और शारीरिक विकास की अवस्थाएँ क्या होंगी, इनके बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं कि 4 सप्ताह की अवधि में क्या होगा, यदि बच्चा 4 सप्ताह का है, जो भ्रूण है वो 4 सप्ताह का हो गया, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 1/2 mm होगी, और क्योंकि गर्भाशय की आंतरिक सतह से लगा हुआ भ्रूण केवल कोशों की एक प्लेट तथा अत्यंत छोटा होता है, जबकि वजन इसमें भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है, 1/2 mm मतलब बहुत ही छोटा होता है 4th week पे। उसके बाद हम लोग 6th week पे जाते हैं, 6th week पे क्या होता है, भ्रूण का विकास 1 cm लंबा हो जाता है, भ्रूण कितना लंबा हो जाता है, 1 cm 6th week मतलब 1 माह के ऊपर, और सिर का विकास प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले आप सबको पता होगा कि शिशु का गर्भावस्था में सबसे पहले सिर का विकास प्रारंभ होता है, फिर उसके बाद हाथ पांव के स्थान पर थोड़ी सी वृद्धि देखी जा सकती है, जहां पर हाथ पांव का स्थान होता है वहां पर थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो जाती है 6th week में, और हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। यदि आप सबसे प्रश्न आता है कि हृदय की धड़कन किस सप्ताह में प्रारंभ होती है, तो आप सब कह सकते हैं 6th week पे या 6 सप्ताह में। फिर उसके बाद हम देखते हैं 8 सप्ताह, 8 सप्ताह में 1 सेंटीमीटर या फिर 1/2 cm हो जाता है, क्या हो जाता है, भ्रूण की लंबाई हो जाती है, जबकि वजन अभी डिपेंड नहीं होता है कितना वजन है, और कौन कौन से विकास हुए होते हैं, जैसा कि 8 सप्ताह में नाक, उंगलियां तथा पंजे देखे जा सकते हैं, जो भ्रूण है उसके नाक भी बन जाते हैं, उंगलियां भी बन जाती हैं, और पंजे भी देखे जा सकते हैं 8 वीक पे, 8 वीक मतलब 2 माह होता है, और देखे जा सकते हैं, नाक मुंह का विकास भी हो जाता है तथा आँखें बनना आरंभ हो जाती है। फिर उसके बाद हमारा आता है 10 वीक, 10 सप्ताह, 10 सप्ताह में भ्रूण का विकास 3 सेंटीमीटर का हो जाता है, जब बच्चे का विकास 3 सेंटीमीटर हो जाता है, कितने सप्ताह में, 10 सप्ताह में, और फिर क्या बनता है कि आँखें, उसके विकास में क्या क्या होता है, आँखें तथा आँखों की पलकें, आँखें बन जाती हैं और पलकें भी बन जाती हैं, उसके साथ उंगलियां पृथक पृथक हो जाती हैं, जैसे पहले तो सारी उंगलियां चिपकी चिपकी होती हैं जब बच्चे का विकास होना प्रारंभ हो जाता है भ्रूण का, फिर उसके बाद 10 सप्ताह में अलग हो जाती और पहली बार मानव शिशु की तरह दिखाई देने लगता है, जब आंखें हो जाएंगी तो वो मानव शिशु की तरह जाहिर सी बात है दिखने लगेगा, इसलिए 10 सप्ताह में आंखें होती हैं, याद रखना। यदि प्रश्न बनता है कि आंखें कितने सप्ताह में होती हैं भ्रूण की, तो 10 सप्ताह में होती हैं, और शरीर की तुलना में सिर बहुत बड़ा रहता है, हमेशा याद रखना, भ्रूण का विकास सबसे पहले सिर का होता है और सिर हमेशा शरीर के में बड़ा ही होता है। और फिर 12 वीक अर्थात 12 सप्ताह में बच्चे की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाती है और इसका विकास होता है, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण भाग बन जाते हैं, और भ्रूण की आंखें जो होती हैं पलके बंद रहती हैं, और अस्थियों के अंदर रक्त पेशियां बनने लगती हैं, जो अस्थियां हैं बालक के अंदर की अस्थियां हैं उनके अंदर रक्त की जो मांस रक्त की पेशियां होती हैं, जो रक्त पेशियां होती हैं जिसमें रक्त का संचारण होता है, वो बनने लगती हैं और अस्थियों के जोड़े बनने लगते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है 16 सप्ताह, जी हाँ बच्चों 16 सप्ताह में क्या होता है, 12 सेंटीमीटर का शिशु हो जाता है और फेफड़े भी बन जाते हैं, विकास क्या होते हैं, फेफड़े बन जाते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। जैसा कि देख पा रहे हैं विकास क्या होता है, 16 सप्ताह में फेफड़े बन जाते हैं शिशु का, और परंतु श्वसन हेतु तैयार नहीं रहते हैं, फेफड़े तो बन जाते हैं 16 वीक पे, लेकिन वो श्वसन क्रिया नहीं कर पाते हैं, त्वचा की संरचना पारदर्शी होती है और भ्रूण की पूंछ समाप्त हो जाती है, बाह्य जनन अंगों के आधार पर शिशु लिंग का जना जा सकता है, शिशु का लिंग भी 16 सप्ताह में बन जाता है,
कि वो मेल है या फीमेल है इसका भी पता लग सकता है 16 सप्ताह में। बाल तथा नाखूनों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जी हाँ, बाल और नाखून का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है कितने वीक में, 16 सप्ताह या 16 वीक में। उसके बाद आता है हमारा 20 वीक या 20 सप्ताह। 20 सप्ताह में जाहिर सी बात है कि बच्चा 20 सेंटीमीटर का हो ही जाएगा, और याद रखना 20 सप्ताह में बच्चा 20 सेंटीमीटर का हो जाता है। उसके बाद इनका विकास कितना होता है, भ्रूण की हलचलें अनुभव की जा सकती हैं, जैसा कि माँ के द्वारा अनुभव किया जा सकता है कि बच्चा डोल रहा है, और कान के अंदर की छोटी अस्थियों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। जो भ्रूण है उसके कान की जो छोटी छोटी अस्थियां हैं उनका निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है किस सप्ताह में, 20 सप्ताह में। और मुंह के अंदर तालु का निर्माण हो जाता है, मुंह भी खुल जाता है और तालु का निर्माण भी हो जाता है। मुंह तो वैसे भी नहीं खुलता है जब तक जन्म नहीं होता। फिर 8 वीक पे, फिर 8 नंबर पे है 24 वीक। जी हाँ, 24वें सप्ताह में बच्चे का वजन हो जाता है 30 सेंटीमीटर, वो बच्चे का लंबाई हो जाती है 30 सेंटीमीटर और वजन हो जाता है 600 ग्राम अर्थात 600 ग्राम्स हो जाता है क्या वजन। यदि 24 सप्ताह में वजन पूछता है तो 600 ग्राम लिखेंगे आप सब। भ्रूण स्वतंत्र जीवन के लिए तैयार हो जाता है 24 सप्ताह में, जो भ्रूण होता है वो स्वतंत्र जीवन के लिए तैयार हो जाता है। जैसा कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो 24 सप्ताह में ही बच्चे का जन्म हो जाता है, और इस बच्चे के जन्म के दौरान उसे कुछ चिकित्सा के द्वारा उन्हें अच्छे से रखा जाता है सेफ्टी के साथ, जिससे उनका पूर्ण विकास हो जाता है। ये कोई खतरनाक बात नहीं है, 24 वीक पे बच्चा हो सकता है, परंतु 3 माह गर्भाशय में पूर्ण विकास हेतु रहना आवश्यक होता है। जो गर्भाशय में है उसके लिए 3 माह बहुत ही अनिवार्य होता है गर्भाशय में। उसके बाद 24 सप्ताह के बाद जैसे शिशु का जन्म हो भी जाता है तो उसे कंगारू मदर केयर दिया जाता है, और कई प्रकार की केयर की जाती है जिससे बच्चा धीरे धीरे विकसित हो जाता है। 9 सप्ताह तक उसे दवाइयों के माध्यम से रखा जाता है। परंतु क्या होता है, भ्रूण के सिर पर बाल दिखाई देने लगते हैं। 24 सप्ताह में भ्रूण के सिर का बाल बहुत अच्छे से दिखाई देने लगता है, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कैसे बच्चे का विकास हो रहा है। 6 वीक पे बच्चा ऐसे दिख रहा है, फिर उसके बाद 8 वीक पे उसकी उंगलियां भी गिर रही हैं और आंखें भी दिख रही हैं, फिर 10 वीक पे भी दिख रही हैं, और 12 वीक पे तो हाथ पैर भी बहुत अच्छे से हिला डुला रहा है, फिर और 17 वीक पे, फिर 38 वीक पे देखो पूर्ण रूप से विकास हो चुका है 38वें सप्ताह में। आगे देखते हैं क्या है हमारा बच्चों, जैसे 9 नंबर पे है 28 सप्ताह। जी हाँ, 35 सेंटीमीटर का बच्चे हो जाता है और वजन 1 kg हो जाता है, 1 किलोग्राम का वजन हो जाता है। और वहीं विकास देख लेते हैं, विकास क्या होता है, भ्रूण की आंखें खुलने लगती हैं तथा दांतों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो दांत है उसके निर्माण की प्रक्रिया 28वें सप्ताह से प्रारंभ हो जाती है, जो गर्भावस्था के दौरान। फेफड़े श्वसन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं, और फेफड़े भी तैयार हो जाते हैं श्वसन क्रिया के लिए। और फिर हम देखते हैं 32 सप्ताह। जी हाँ, 32 सप्ताह में बच्चा कितना लंबा हो जाता है, 40 सेंटीमीटर। जी हाँ, 40 सेंटीमीटर लंबाई हो जाती है, और उसका वजन 1 kg ही होता है, 1 किलोग्राम ही होता है, जैसा कि 28 सप्ताह पे भी 1 kg होगा और 32 सप्ताह पे भी 1 kg ही होगा। भ्रूण के शरीर पर हल्के रोएदार बाल आने लगते हैं, जैसे कि आप सब अपना शरीर देखेंगे तो हल्के हल्के बाल नज़र आते हैं, रोए नज़र आते हैं। जो त्वचा लाल होने लगती है वो 32 वीक से होता है कि रोए दिखने लगते हैं बाल, और त्वचा लाल होने लगती है तथा कान मुलायम हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा 36 सप्ताह। जी हाँ, तो 45 सेंटीमीटर लंबाई हो जाती है बच्चे की, और वजन हो जाता है 2.75 kg, और अंडग्रंथि का निर्माण हो जाता है, त्वचा पर श्वेत चिकना पदार्थ आ जाता है, एवं पैरों के तलवे व झुर्रियाँ बनने लगती हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा 12वें नंबर पर 40 सप्ताह। जी हाँ, बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है जन्म के लिए, और 50 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो जाती है, और 3.7 kg का बच्चा हो जाता है, जैसे कि आप
कई बच्चे हैं 4 किलो के होते हैं, 3 किलो के होते हैं और उनका विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, त्वचा पीली एवं मोटी होने लगती हैं, स्तन के निशान बन जाते हैं एवं कानों में कार्टिलेज बन जाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जन्म के समय अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। जन्म के समय शिशु का भार 3 kg से 3.7 kg तक हो सकता है तथा शिशु की लंबाई 15 से 55 cm तक हो सकती है। यदि आप सबसे प्रश्न में 55 cm बहुविकल्पीय में दिया है और 50 cm नहीं दिया है तो आप आंसर कर सकते हैं 55 cm। और लड़कियों का भार लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि गर्भवती स्वयं को हल्का अनुभव करने लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि प्रसव का समय निकट आ गया है। इस समय तक प्रसव की संपूर्ण तैयारी पूर्ण ही कर लेनी चाहिए। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। आप सबका दिन अच्छा हो। जय माता रानी।